नमस्ते कैसे हैं आप लोग मैं हूं सी एस के के अग्रवाल और हम लोग ये पार्ट टू वीडियो डिस्कस कर रहे हैं जहां पर हम लोग सेक्शन टू का पहला क्लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन टू सबसे इलेवन का और उससे एसोसिएटेड भी बाकी क्लॉज भी डिस्कस करेंगे और जहां पर ये कमेंडमेंट आई है सेक्शन टू सबसे इलेवन जो ब्लॉक ऑफ एसेट डिफाइन करता है मैं आपको पढ़ना भी सिखलाना चाह रहा हूँ इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये है थ्री दिस इज सेक्शन थ्री ऑफ द फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बन जाएगा और यह सेक्शन थ्री ऑफ द फाइनेंस बिल 2021 अमेंड कर रहा है सेक्शन टू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या अमेंड कर रहा है यह कह रहा है सेक्शन टू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में जाइए उसके क्लॉज इलेवन में जाइए इलेवन में जाइए इन सब क्लॉज बी अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं यह है सेक्शन टू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट उसका सेक्शन 11 ब्लॉक ऑफ एसेट उसका क्लॉज बी इंटेंजिबल एसेट्स बड़े ध्यान से देखिएगा यहां पर ही लिखता आफ्टर द वर्ड्स और कमर्शियल राइट्स ऑफ़ राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर तो अगर फिर से जाता हूं मैं उसी में अब देखिए बी इंटेंजिबल एसेट्स बींग नो हाउ पेटेंट कॉपी राइट ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर इसके बाद इसके बाद आपको एक वर्ड एड करना है वो वर्ड कौन सा है नॉट बींग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन नॉट बींग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन तो इसको अगर आप देखेंगे तो इनटेंजिबल एसेट बींग के पी सी नो हाउ पेटेंट कॉपी राइट टी एल एफ ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी अब ये ओपन है और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर ये ओपन था तो सुप्रीम कोर्ट ने मैं आपको एक बार लॉ दिखलाता हूं सुप्रीम कोर्ट ने स्मिफ सिक्योरिटीज लिमिटेड 2012 का जजमेंट आईटीआर का जो केस लॉ है 348 पेज नंबर 302 में आपको मिलेगा इसका साइटेशन तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन अफर्मेटिव कि दिस इज एसेट इन एसेट और ये इंटेंजिबल एसेट्स उन्होंने डिसाइड कैसे किया वो बता देते हैं सबसे पहले आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि गुडविल ऑफ ए बिजनेस एंड प्रोफेशन इज ए एसेट इंटेंजिबल एसेट्स वो तो इसको इंटरप्रेट किया क्या एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर में गुडविल ऑफ ए बिजनेस एंड प्रोफेशन आ सकता है या नहीं आ सकता तो ये एसेट्स तो है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो बिजनेस को मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन अमल ये सब केस में कैसे है? आप कैलकुलेट करते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं जिसको हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं इसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं ओवर एंड अब जितना आप पेमेंट करते हैं ओवर एंड अब परचेज कंसिडरेशन मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन हंड्रेड आ गया और आप वन ट्वेंटी रुपीज में वो बिजनेस खरीदने के लिए तैयार हैं लिए लिए हैं एसेट्स खरीदने के लिए तैयार तो जो 20 रुपीस आपने एक्स्ट्रा दिया है दैट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज एन एसेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मैं पढ़ देता हूं आपके साथ और ये एक्सप्लेनेशन थ्री टू सेक्शन थर्टी टू में वो सेम लैंग्वेज है थर्टी टू तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है तो ये थर्टी टू और इसका एक्सप्लेनेशन टू इसमें भी वो जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स था वही एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ था यहां भी चेंज किया हुआ है उन्होंने कि यहां पर नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन अब मैं दोबारा आता हूं इसमें देखिए द प्रिंसिपल ऑफ एजुस्टम जेनरिस एजुस्टम जेनरिस मतलब ये होता है कि जिस तरह का वर्ड यूज किया उसी से मिलता जुलता जैसे यहां पर नॉट एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर कैन गुडविल बी ट्रीटेड एज एनी बिजनेस राइट्स और कमर्शियल राइट्स जिस तरह से हम लोग पेटेंट को मानते हैं कॉपी को मानते हैं ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी को मानते हैं क्या उसी के इक्वालिटी में गुडविल ऑफ ए बिजनेस एंड प्रोफेशन को रख सकते हैं या नहीं रख सकते सुप्रीम कोर्ट हेल्ड यस इट कैन बी सेट दैट इट इज इक्वल टू और नियर टू नो हाउ पेटेंट कॉपी राइट ट्रेडमार्क आज हाउ पेटेंट कॉपी राइट ट्रेडमार्क होने से आपकी बिजनेस को सेल ज्यादा मिलता है उसी तरह से अगर किसी का गुडविल मिल जाए तो सेल ज्यादा मिलेगा तो दैट सुप्रीम कोर्ट हेड कि इसके दिस इज ऑल्सो गुडविल अपलाईटिंग दिखलाया आपको b, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं एक्सप्लेनेशन थ्री क्लॉज बी और मैं दोबारा आता हूं इसमें Consequently, goodwill is an asset under explanation 3b to section 32 subsection 1 and eligible for depreciation. Though the AO held that SSE had not paid anything for the goodwill, this cannot be accepted because a the CIT appeal and tribunal correctly held that the difference between the cost of an asset and the amount paid in the process of amalgamation constituted goodwill and दिस आस्पेक्ट वॉज नॉट चैलेंज बाय द डिपार्टमेंट बिफोर द हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने दिस इज द क्रक्स ऑफ दट जजमेंट सिक्योरिटीज का कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गुडविल ऑफ एन बिजनेस और प्रोफेशन इज ए एसेट इनटेंजिबल एसेट और उस पर डिप्रिशिएशन हर कोई क्लेम कर रहा था और ये कब का केस अगर आप देखेंगे तो ये दो का दो का केस है आज आठ साल हो गए गवर्नमेंट ने अब तक तो इसको अलाउ होने दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल नहीं किया पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑथोरिटी और आज आठ साल बाद पार्लियामेंट को लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो उस वक्त जो जजमेंट दिया था शायद गलत था और गलत था तो उसको करेक्ट कर दिया और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात लिखी उन्होंने रीजनिंग दिया और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था अगर रीजन के बिना अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो क्या वो वैलिड है तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन वन ऑफ द जजमेंट दैट इट इज वैलिड बट दे हैव गिवन द रीजन और रीजन बहुत अजीब सा लगेगा अगर आप पढ़ेंगे ये लिखता है इट इज सीन दैट गुडविल इन जनरल इज नॉट डेप्रिशल एसेट तो वो मानते हैं गुडविल डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकता वो डेप्रिशियेबल जब भी गुडविल होगा तो एप्रिशिएट होगा तो मे बी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कितना सही है इट इज सीन दैट गुडविल इन जनरल इज नॉट ए डेप्रिशियेबल एसेट एंड इनफैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द हाउ द बिजनेस रन गुडविल में सी अप्रिशिएशन तो डिप्रिशिएशन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ द बिजनेस रन गुडविल मे ड्रिशिएट ऑल्सो आज आप ये समझिए गुडविल डिप्रिशिएट होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन ऑल्सो इट कैन डप्रिशिएट ऑल्सो बट दे है वर्ड दट डिशिएशन

उन्होंने आठ साल बात कर दिया इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो भी आप इन फेवर जजमेंट लेते हैं इतना पसीना बहाने के बाद और इतने जजेस मान लीजिए फाइव बेंच बैठती है या दो बेंच बैठती है उनका दिमाग इतना लगता है और कई साल लग जाते हैं इसको जजमेंट लेने के बाद इन्होंने स्टॉक अपे पेन और सोचा कि गुडविल तो डप्रिश ही नहीं हो पाता है ओ तो, तो उन्होंने द फिट

आपको अमेंड करने की क्या जरूरत थी इवन इन द कैटेगरी ऑफ केसेज रेफर टू इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग द पैराग्राफ तो बाकी उन्होंने बहुत कुछ फिर चेंज किया है क्योंकि अगर गुडविल डिप्रिशिएट नहीं होगा तो डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन सेक्शन 50 से नहीं निकलेगा अगर पुराना गुडविल डिप्रिशिएट हो चुका आप कर चुके तब तो कैपिटल गेन सेक्शन 50 से ही निकलेगा लेकिन अब जो नया गुडविल है जिसके ऊपर आपने डिप्रेसिएशन क्लेम नहीं किया है उसका डिप्रेस उसका कैपिटल गेन तो सेक्शन 48 से निकलेगा और उन्होंने लिख दिया कि अगर आपने गुडविल खरीदा है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा जितने रुपए में खरीदा है और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो होगा ये उन्होंने लिख दिया और मैं मेमोरेंडम पढ़ रहा हूं मैं लॉ भी पढ़ के आपको दिखला देता हूं और मेमोरेंडम में कभी कभी ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो गलत भी लिख सकते हैं तो मैं आपको एक बार दिखलाता हूँ देखिए इन्होंने एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर लिखा है आ, कुछ नहीं लिखा कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब दिस इज एप्लीकेबल जो हमने शुरुआत में बताई थी आपको एकदम शुरुआत में लिखा हुआ था मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसको देख जरूर लीजिएगा मैं आपको सेक्शन टू टू सेवन शेल कम इन टू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ट्वेंटी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी होगा मैंडम में उन्होंने लिख दिया इफेक्टिव फॉर्स अप्रैल ट्वेंटी यहां पर असेसमेंट ईयर लिख दिया पर फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए ये ट्वेंटी टू होना चाहिए था बट इन एनी केस तो ये यह यहाँ पर जब कुछ लिखा हुआ नहीं है तो असेसमेंट ईयर ट्वेंटी थ्री से होगा तो सेक्शन टू सबसे ब्लॉक ऑफ एसेट में चेंज किया सबसेक्वेंटली सेक्शन थर्टी टू में भी चेंज करेंगे सेक्शन फाइव जीरो में भी चेंज करेंगे वो सब मैं आपको दिखलाता चलता हूँ आइए तो इन सेक्शन थर्टी टू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट

फिर इन क्लास टू में क्या लिखा हुआ है इन आगे इन क्लास टू के आगे थोड़ा सा ये मुश्किल होता है आफ्टर 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 द अप्रैल अप्रैल 1988 क्लास टू ये है सॉरी सॉरी क्लास टू यह नो हाउ पेटेंट यहां यहां लिखा हुआ है, है, सौरी, सौरी, लिखा है यहां पर इसका नॉट बींग गुडविल ऑफ ए बिजनेस प्रोफेशन यहां पर लिखना है आपको तो इस तरह से आपको एक्ट मैंने जो वेबसाइट खोली है फिर ये तो मैं ही चुका हूं और बाकी अमेंडमेंट दिखलाता हूं जितना आप डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो उसको इग्नोर करना है अब नहीं क्लेम कर पाएंगे प्रोवाइडेड दैट केस वेर गुडविल ऑफ ए बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट फॉर असेसमेंट बिगनिंग दिस यानी कि फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी एंड बाय द रिटर्न डाउन दैट ब्लॉक तो ये सेक्शन में जो पुराना हो चुका उसको नहीं कुछ छेड़ रहे इसके बाद फिफ्टी फाइव फिफ्टी में इन्होंने क्या किया जो जितने भी इन एसेट्स हैं जो सेल्फ जनरेटेड है उनका आपको पता ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे है तो वही कहानी इन्होंने यहाँ भी लिख दी है और ये रहा Provided that तब डब्ल्यू डीवी हो जाएगा नहीं ऑप्टेंड किया हुआ है तब जो ओरिजिनल जो चल रहा है गुडविल ऑफ ए बिजनेस एंड प्रोफेशन वो nil होगा फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी वन तो ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके पढ़ना होगा तो इन सेक्शन 55 इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन तो पहले ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम का ही उन्होंने जीरो किया था अब उन्होंने गुडविल ऑफ ए बिजनेस एंड प्रोफेशन यहाँ पर ऐड कर दिया ऐड कर दिया जो हमने बता दिया अगर परचेस किया हुआ है तो जितने रुपए परचेस किया और अगर सेल्फ uh, जनरेटेड है तो नल है तो बाकी सब कुछ तो सेम है तो इन द नर्ट शेल इन नर्स गुडविल ऑफ ए बिजनेस इन प्रोफेशन पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन 48 के अकॉर्डिंग होगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो जीरो होगा खरीदा है तो परचेज प्राइस होगा बस इतना ही है तो उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आई है और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं और आगे वीडियो बना पाऊं और आगे आप हम लोग अपनी वेबसाइट के बारे में बता देते हैं टैक्स के डॉट कॉम में थैंक यू तो ये हमारी वेबसाइट है टैक्स के डॉट कॉम इसके क्लासेस में जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स के और जीएसटी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस के आपको क्लासेस मिलते हैं तो ये जरूर देखिएगा बुक्स इनकम टैक्स के और जीएसटी के ई e बुक्स ये सेम जो बुक्स आपको नजर आ रहा है फिजिकल हार्ड कॉपी ये आप ई e बुक में भी खरीद सकते हैं टैक्स एक्सल बहुत सारे हैं खासकर जो बेस्ट सेलर है वो रूल फोर्टी टू फोर्टी थ्री है और कंसल्टेंसी मान लीजिए आपको नोटिस आया उसका रिप्लाई बनवाना है तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं देन यू कैन पे द चार्जेस तो और भी फ्री में भी बहुत सारा कुछ है जिसको आप देख सकते हैं तो दीज आर द थिंग्स विच यू ऑफर फॉरन ट्रेड पॉलिसी की बुक फ्री में है इसकी पीपीटी फ्री में बहुत सारी चीज़ें फ्री में एनुअल रिटर्न नाइनटीन ट्वेंटी का क्या क्या चेंजेस है वो भी लिखा हुआ है इसमें सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे